दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं टेली फिल्म्स। दोस्तों, अनीता हसनंदानी ये नाम ऐसा है कि ये नाम सबने सुना है, ये नाम को सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर टीवी फिल्म या फिर टीवी एक्टर एक्ट्रेस की बात की जाए तो टीवी पे ये नाम बहुत ही चर्चित रहा है, बहुत ही समय से ये टीवी पे नाम सुनते आए हैं। अनीता हसनंदानी अपने कैरेक्टर से, जो भी उन्होंने टीवी पे अपना काम किया है उस काम से जानी जाती हैं। अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी को शादी की 7-8 साल हो गए हैं और उन्होंने बहुत टाइम बाद ये फैसला लिया कि उनको बेबी को लाना चाहिए और उन्होंने अक्टूबर में बताया 2020 को कि मेरी बेबी आने वाली है। अपने बेबी फ्लॉन्ट से एक वीडियो इंस्टाग्राम पे जाहिर करके उन्होंने अपने ये अनऑफिशियल जो न्यूज है वो ऑफिशियल बनाते हुए बहुत अच्छे तरीके से वो बताई सबको, और सारे लोग जो भी उनको जानते थे, जो भी उनके फैंस थे, उनको बहुत सारी बधाइयां दी और सब बहुत खुश हुए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी ये बताया कि मैं भी बहुत खुश हूँ और ये बताया कि मेरे जो हस्बैंड है रोहित वो भी बहुत खुश है, एक्साइटेड है। हम लोग बहुत मिक्स्ड फीलिंग रख रहे हैं अभी और जो भी बेबी के लिए हो सके वो करना चाह रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। जो रोहित मेरे हस्बैंड है वो मेरे बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छे से पैम्पर कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा चीज है जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, खाना खिलाने से लेकर बेड पे सोने तक वो बहुत ही ध्यान पूर्वक करते हैं ये सब काम, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ अनीता हसनंदानी अपने बेबी फ्लॉन्ट को लेकर बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी खिंचवाई हैं, बहुत सारे फोटोशूट भी करवाई हैं और बहुत एक्साइटेड दिखती हैं हमेशा ये न्यूज को शेयर करते हुए, और बेबी के आगमन के लिए भी बहुत ही वो एक्साइटेड रहती है। अगर अनीता हसनंदानी की बात की जाए तो वो टिप्स भी देते नजर आ रही है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको टिप्स देते नजर आ रही है कि किस तरह से उनको करना चाहिए जब बेबी आने वाली होती है या फिर जब बेबी पेट में रहती है। वो तो अभी बहुत एक्साइटेड है और आपको बता दूं कि इसी मंथ फेब में ही उनका बेबी आने वाला है और वो बहुत खुश है। आप कितने खुश है इस न्यूज को जानकर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और टेली फिल्म्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।